हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, ये जो न्यूज़ है मेरे सामने, ये इसके लिए मैं विवेक सर का, जो विवेक मौर्या सर हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनके सौजन्य से ये मिल पाई। और देखिए, ये 7 मार्च का ये लेटर है। और सबसे पहले तो समझ लीजिए किस संदर्भ में दिया गया, क्योंकि ये जो मैटर इसमें डिस्कस किया गया है, इसके लिए जो शासनादेश वगैरह हैं वो पहले से ही हम लोगों के पास हैं। और पहले से ही हम लोग ये जानते हैं कि जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लेता है बच्चा, वो 12th के इक्विवेलेंट हो जाता है, यानी कि 12वीं के कक्षा के इक्विवेलेंट हो जाता है। उसी चीज़ को किसी ने और पूछा है तो उस जन सुनवाई प्रकरण में, तो उसी का आंसर दिया गया है यहाँ पे। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि ये प्रेषक लिखा है क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय बरेली। यूपी बोर्ड का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो एक कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस, वो बरेली में भी है। वहाँ से ये जवाब दिया गया है संयुक्त सचिव शिक्षा 7 उत्तर अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को। और इसमें ये लिखा है कि जन सुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश, ये पूरा पोर्टल है और इसमें कोई भी कंप्लेंट वैसे कर सकता है, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। तो उसमें संदर्भ संख्या इतना इतना, इसके मतलब ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी होगा, और 7/2/2022 के संबंध में 7 फरवरी को पूछा होगा ये। और किसने पूछा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक प्रतिलिपि दी गई है, ये HSP छात्र संघ पीलीभीत को। तो इस वजह से जो है वो इन लोगों ने, ये भी इन्वॉल्व होंगे, इनको भी इसकी एक कॉपी भेजी गई है। तो बहरहाल बात कर लेते हैं इसमें है क्या चीज़। तो ध्यान से देखिए, इधर उपरोक्त तो संदर्भित शिकायत के संदर्भ में अवगत कराया जाना है। शिकायत जो भी रही होगी, मतलब पूछा गया होगा, वो मैटर नहीं दिया है कि परिषदीय विनियमों के अध्याय 12 परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम के क्रम 35 के अनुसार प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष है, जिसका शासनादेश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। कृपया अवगत होना चाहें, और नीचे जो है अथॉराइज सिग्नेचर है। तो बहरहाल इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि पहले से ही पता है कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर लेते हैं 10th में पास करने के बाद, तो 10th पास करने के बाद जब वो पॉलिटेक्निक करके निकलते हैं और वापस अगर वो ऐसी मतलब BA या BSc या कुछ इस तरह का करना चाहे तो उनको प्रॉब्लम आती थी। तो इसी वजह से ये शासनादेश बनाया गया था। इसमें यह है कि अगर आपने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, तो पॉलिटेक्निक कंप्लीट करने के बाद आप 12th के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। अब इसके कई फायदे हो सकते हैं। अगर कोई बच्चा BA BSc वगैरह में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसे फिर 11वीं 12वीं का मतलब कोर्स करा हुआ या उसकी TC नहीं दिखानी है, केवल बस यही जो है वो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा और मार्कशीट दिखाएगा। और अगर उसने ये कंप्लीट कर रखा है तो उसे 12th पास मान लिया जाएगा, उसका एडमिशन BA BSc में हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर आप कोई ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं बाद में, जिसमें कि योग्यता इंटरमीडिएट है और आपने केवल 10th और फिर डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप उस नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर कोई भी आपको जो है वो मना करता है या कुछ करता है, तो आप शासनादेश को उसके सामने दिखा सकते हैं। तो इनके यही मतलब है कि जो हमारा पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, क्योंकि वो 10th के बाद किया जाता है, इसलिए वो, और 3 साल का है, तो इसलिए 12th करता बच्चा तो 2 ही साल में हो जाता, लेकिन यहाँ तो वो 3 साल पढ़ रहा है, तो एक तरह से ये 12th पास के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ये शासनादेश है। उसी चीज़ को किसी ने घुमा फिरा के पूछा है फिर से, तो उसी का आंसर यहाँ पे ये दिया गया है। ये जो है बेसिकली, ये जो जन सुनवाई समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली है, उसके अंतर्गत पूछा गया है। तो बाकी और इसमें कुछ नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से जितना मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी इस लेटर के बारे में, मैंने आप लोगों को दे दी है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का, आपके जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन दे सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।